अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आप भी जहां रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। आज हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल विज़िट करने, जहां पे ओपन हाउस है। तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बुलाया गया है, जहाँ पे बच्चों को आईपैड दिए जाएंगे, स्कूल से मुतल्लिक ज़रूरी इंफॉर्मेशन और इसके अलावा पिक्चर होगी, पिक्चर बनाई जाएगी बच्चों की, स्कूल आईडी बनाई जाएगी और टीचर से मुलाकात होगी। तो आइए चलते हैं। यहाँ हम स्कूल के बाहर पहुँच गए हैं और अंदर जाके देखते हैं कि क्या होगा। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में जो स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पे सितंबर में स्कूल ओपन हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है, कितने सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टीचर से ले रहे हैं, और हमने भी यहाँ पे बच्चों के आईपैड ले लिए हैं और अब जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताई जा रही है कि किस तरह से आईपैड को यूज़ करना है। मेरा बेटा भी मेरे साथ है, लेकिन मेरा बेटा इन पर्सन स्कूल जाएगा, जबकि बेटियों ने ऑनलाइन क्लास करनी है। लेकिन घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता बच्चों को, तो इसलिए हम बेटे को भी साथ लेकर गए थे। और ये स्कूल का थिएटर है जहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। बच्चों का नाम और ग्रेड पूछने के बाद उनको आगे पिक्चर्स के लिए भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी, छोटी बेटी सबसे पहले गई है। और इसका ग्रेड जो है फोर्थ ग्रेड में है। सब बच्चे बहुत खुश हैं बैक टू स्कूल के लिए। और अब मेरी बड़ी बेटी ने गई है। तो यहाँ पे हम फारिग हो गए थे, तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। घर जाके मैंने जल्दी से जो है खाना बनाना था, तो उसके लिए मैंने बिरयानी की तैयारी की, मसाला बनाया और फिर चावल बॉईल किए, और बिरयानी को दम लगाने के बाद जी हमारा खाना रेडी हो गया। और उसके बाद हम सब ने दोपहर का खाना खाया। तो आज की वीडियो इतनी ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।